जीवन प्रणाली में धर्म अर्थ काम मोक्ष को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। धर्म अर्थ मोक्ष प्राप्त करने के लिए स्वस्थ तन प्रसन्न मन प्रफुल्लित भावना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ तन नहीं है तो कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। कहा गया है कि कमज़ोर आदमी परमात्मा के दरवाजे पर नहीं पहुंच सकता। ये बाइबल में भी कहा गया है कि कमज़ोर आदमी भगवान के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता। और योग जो है सबको सर्वप्रथम हेल्दी बनाता है, हेल्दी हैप्पी पीसफुल जॉयफुल ब्लिसफुल लिविंग, इसको योग के द्वारा प्राप्त। योग के साधन क्या हैं? आसन है, प्राणायाम है, मुद्राएं हैं, बंधाद हैं, षटकर्माद हैं, उनके द्वारा कैसे हेल्थ बन सकता है। एक फार्मूला हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पैर गर्म पेट नरम सर ठंडा, मतलब हम लोगों को क्या चाहिए? पैर गर्म। पैर गर्म फायर से नहीं होता, आग से नहीं होता, मतलब तो रोज़ मूवमेंट करना चाहिए। मूवमेंट किस प्रकार से होना चाहिए? एक्टिवाइजेशन स्टिमुलेशन एंड सीडेशन ईच एंड एवरी, शरीर के जो जितने भाग हैं उनको एक्टिवाइज करना, स्टिमुलेट करना, सीडेट करना, उसको मैं आपसे पूछना चाहूँगी, योगा एक जो सदियों से चली आ रही है लेकिन आज के दौर में अगर हम देखें तो बहुत सारे अलग अलग तरीके आ गए हैं, तो उस चीज़ को हम कैसे मैनेज करें? देखिए, योग ऐसी विद्या है इसको सब प्राप्त कर सकते हैं, प्राणी मात्र के लिए है, केवल मानव मात्र के लिए नहीं है, प्राणी मात्र के लिए। इसलिए कहा गया कि योग प्राणी मात्र का विषय है। जैसे समझिए प्राणायाम है, ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग पशु नहीं लेते, पक्षी नहीं लेते, मानव नहीं लेते, सबको लेना पड़ेगा ना, तो ब्रीदिंग प्राणायाम एक महत्वपूर्ण अंग है किसका? योग का। उसी प्रकार से अपने सेंसेस को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, यो योग में आता है। मन को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, जैसे बताया गया है कि मन को कंट्रोल करेंगे श्वास को कंट्रोल हो जाता है, श्वास कंट्रोल करेंगे तो मन को कंट्रोल हो जाता है, इन दोनों का गहरा संबंध है। इसलिए इन सारे विषयों को लेकर उसको कहा गया है योग। योग केवल एक विषय को लेकर वर्णन करना बताना समझना नहीं है, हर विषय को हर प्रणाली को उसको बताया गया है। इसलिए कहा गया है कि आदर्श जीवन जीने के लिए योग है। इसको पहला स्थान यही दिया गया है कि हमारा आदर्श जीवन कैसे होना है। आदर्श जीवन के लिए समाज को आदर्श बनाना है, जैसे अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है या परिग्रह है। फिर नियम बनाया गया है कि शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्रणिधान है, ये सब यौगिक आदर्श जीवन के यौगिक साधन हैं। इनके द्वारा भी हमारा जीवन सुखद है। आज की जो हमारी जनरेशन है वो जिम जाना ज़्यादा पसंद करती है योगा जाने से बेटर, तो आप उनको क्या हिदायत देंगे? जिम एक्सरसाइज नहीं माना गया है, उसको हम क्या कहते हैं? व्यायाम कहते हैं। एक्सरसाइज जो होती है बाहर से व्यायाम, उसको क्या कहा जाता है? व्यायाम। व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च करना। व्यय का मतलब होता है खर्च करना, मतलब जो हमारी आंतरिक शक्तियां हैं उनको हम समाप्त कम करते हैं। जैसे हमारे सेल्स जो होते हैं डैमेज हो जाते हैं, टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं। और योग क्या है? आयाम है। आयाम का मतलब संचय करना। योग की जो प्रैक्टिस हम करते हैं ब्रीदिंग के साथ करते हैं, तो हमारे अंदर पहुँच कर ऑक्सीजनेशन जो है ना और टिश्यू को एक प्रकार से भोजन पैदा देता है, इसके लिए वो रिजुविनेट होते हैं। और जबकि व्यायाम में क्या होता है? खर्च मर जाए, मतलब उनके डैमेज होते हैं, उनको पूरा करना में करने में समय, इसलिए उसको एक्सरसाइज नहीं माना गया है। अब इसलिए देखा गया कि जितने इस प्रकार का व्यायाम करने वाले लोग होते हैं बाद में वो ज़्यादा बीमार होते हैं, मतलब उसमें नेचर में परिवर्तन है, पहले वही बीमार होते हैं क्योंकि इंटरनल स्ट्रेंथ उनमें नहीं रहती, स्टेमिना नहीं रहता, इम्यूनिटी पावर नहीं रहती, ऑटो इम्यूनाइजेशन नहीं रहता। तो योग क्या करता है? इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ाता है। वो कैसे? ब्रीदिंग कंट्रोल के साथ। ब्रीदिंग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, न कि केवल मूवमेंट, इसलिए उसका यह प्रभाव अच्छा पड़ जाता है। वो उसको उससे जोड़ा नहीं जा सकता। उसमें क्या होता है? उसमें मसल्स डेवलपमेंट होती हैं,
लेकिन इंटरनल स्ट्रेंथ इम्यूनिटी पावर नहीं होती। तो हमारे यहाँ एक मिस्टर जॉन पियर बेस्ट्यू जो था वो आया था, तो वो मिस्टर यूनिवर्स था, योग सीखने के लिए आया था। तो सारे जर्नलिस्ट पहुँच गए कि ये मिस्टर यूनिवर्स यहाँ क्यों आए योग सीखने को, जिम में जाना चाहिए, आप वहाँ क्यों नहीं गए। तो उन्होंने कहा कि हम जिम के द्वारा ये भी डेवलप किए, ये डेवलप किया, अब योग के द्वारा ये डेवलप करने जा रहे हैं, ब्रेन का डेवलपमेंट करने के लिए हम योग में आए हुए हैं। जॉन पियर बेस्ट्यू ब्राज़ील का था, मिस्टर यूनिवर्स। इसी प्रकार से वहाँ के उसका एक लिमिटेशन होता है, आप कब तक व्यायाम करेंगे, जिम करेंगे, कोई एक अमुक समय तक, अमुक एज तक, इसकी बात नहीं करें। लेकिन योग जैसा है कि लास्ट मोमेंट तक करना पड़ेगा आपको।